तो ध्यान के आसनों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध पद्मासना। जो लोग पद्मासना को प्रैक्टिस ना कर सके वह सबसे पहले अर्ध पद्मासना को प्रैक्टिस करें। अर्ध पद्मासना को करने से हमारे पैर भी काफी मजबूत बनते हैं। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजिशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजिशन पर आते हैं और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़कर ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर रहते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिला लेते हैं और अपने घुटने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। जो लोग पद्मासना को प्रैक्टिस ना कर सके तो वह सबसे पहले इस अभ्यास को अर्ध पद्मासना पर बैठकर अर्ध पद्मासना को प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रखते हैं और राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही पहले राइट पैर को और लेफ्ट पैर को बदल बदल कर इस अर्ध पद्मासना को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे इसके बाद जब आप ऐसे ही अर्ध पद्मासना को एक आरामदायक स्थिति में लगा लेते हो तो अब हम करेंगे लोटस पोज। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लें और अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को आप सुबह के समय, दिन में या शाम को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास में आप प्राणायाम, ध्यान, धारणा जैसे समस्त अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर इसके बाद ऐसे सीधे जो इसके बाद हम ध्यान के आसन में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुखासना। सुखासना को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इन ध्यान के आसनों को करने से हमारा बॉडी पोस्चर भी सुधरता है। जिन लोगों के झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ होती है उन लोगों ने इन ध्यान के अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और दूसरे पैर को भी अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। ऐसे सुखासना की पोजीशन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को घुटनों के पास ऐसे रख लें और ऐसे सीधे देखिए इस स्थिति में ध्यान रहे, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, ऐसे एक सीधी रेखा की तरह रहे। सुखासना को करने के बाद फिर आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान के आसनों में अब हम करेंगे भद्रासना योग। भद्रासना योग को करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी आप इस भद्र आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजिशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर एक आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए और इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट कीजिए और फिर इसके बाद आपने वैसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके बताते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे आपस में दोनों घुटनों को इतना जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। ऐसे आपने आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और आपने
अपने हिप्स को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेना है।